ये मेरी पहली नाइजीरिया यात्रा है। लेकिन मैं अकेला नहीं आया, मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। लेकिन मैं अकेला नहीं आया, मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। चुनौतियों से लड़ते हुए आजादी के बाद के 60 साल में, 6 दशक में भारत की अर्थव्यवस्था ने $1 ट्रिलियन का पड़ाव पार किया है। कितने वर्षों में भूल गए, कितने वर्षों में, कितने दशक, 6 दशक में कितना? मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। हम भारतीय डटे रहे और ताली अब बजानी है। ऐसे ही बजाओगे क्या? आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। जिस स्टार्टअप्स का नाम सुनते ही मां चिल्लाती थी कि महाविनाश, वही स्टार्टअप आज कह रहा है महाविकास। दस साल में भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स बने हैं। दुनिया में कोई भी मुश्किल आती तो भारत विश्व बंधु के तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचता है। आपको कोरोना का समय याद होगा, उस समय दुनिया में कितना हाहाकार मचा था। हर देश वैक्सीन के लिए परेशान था और संकट की उस घड़ी में भारत ने ठाना कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वैक्सीन दी जाएगी। यही तो हमारे संस्कार हैं। हजारों वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति ने हमें यही सिखाया है। अयोध्या में 500 साल बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना है। आप खुद भी दर्शन करिएगा, अपने बच्चों को भी वहां के दर्शन कराइएगा। आप जरूर प्लान कीजिए, पहले प्रवासी भारतीय दिवस, फिर महाकुंभ और उसके बाद गणतंत्र दिवस,
यानी एक प्रकार से त्रिवेणी है आपके लिए तो। ये भारत के विकास और विरासत से जुड़ने का बहुत बड़ा अवसर है। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है, कितना है? मेरा तो 56 हो जाता है। साथियों, प्रेसिडेंट चिनुगु से बातचीत के दौरान वो नाइजीरिया की प्रगति में आपके योगदान की बार बार तारीफ कर रहे थे। और जब मैं उनको सुनता था, उनकी आंखों में जब ये चमक देख रहा था, उस वक्त मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो गया है। जैसा कोई फैमिली मेंबर करियर में बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और जैसे उसके माता पिता को, उसके गांव वालों को उस पर गर्व होता है, वैसे ही भावना से मैं भरा हुआ हूं।